नीम का थाना और दिल्ली में 40 ठिकानों पर छापे मारे गए। विश्वास सूत्रों ने यह अहम जानकारी दी है कि दीवान मोदी और गोयल ग्रुप पर यह छापेमारी हुई है और माइनिंग फुटवेयर कारोबार से जुड़े हुए तीनों समूह और आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा ने ये पूरी कार्रवाई की है, जिसमें मोदी दीवान और गोयल ग्रुप पर ये छापेमारी हुई है। ये सभी माइनिंग और फुटवेयर के कारोबार से जुड़े हुए तीनों समूह हैं। आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा ने ये कार्रवाई की है। तो विश्वस्त सूत्रों ने यह अहम जानकारी दी है, जिसमें दीवान मोदी और गोयल ग्रुप पर यह छापेमारी की गई है। आपको बता दें, माइनिंग और फुटवेयर के कारोबार से जुड़े हुए हैं। आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा ने यह पूरी कार्रवाई की है, जिसमें नीम का थाना और दिल्ली में 40 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। दीवान मोदी और गोयल ग्रुप पर यह छापेमारी हुई। विश्वस्त सूत्रों ने यह अहम जानकारी हमें दी है, जिसमें माइनिंग और फुटवेयर कारोबार से तीनों समूह जुड़े हुए हैं और ऐसे में इन तीनों पर आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा ने ये छापेमारी की है। नीम का थाना और दिल्ली में कुल जो 40 ठिकाने हैं, नीम का थाना और दिल्ली मिला के इन 40 ठिकानों पर ये छापेमारी हुई है, जिसमें दीवान मोदी और गोयल ग्रुप पर यह छापेमारी हुई है। आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा ने छापेमारी की है। प्रदेश के नीम का थाना और देश की राजधानी दिल्ली, दोनों जगहों पर कुल मिलाकर करीब 40 के करीब ठिकाने बताए जा रहे हैं, जहां पर ये छापेमारी हुई है। माइनिंग और फुटवेयर कारोबार से तीनों समूह जुड़े हुए हैं और अब आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। विश्वस्त सूत्रों ने यह अहम जानकारी दी। तो आपको बता दें, आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा फिलहाल इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है और नीम का थाना और दिल्ली समेत कुल 40 ठिकाने हैं जहां पर ये छापेमारी हुई है। विश्वस्त सूत्रों ने यह अहम जानकारी दी। तो आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा फिलहाल इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। नीम का थाना और दिल्ली में करीब 40 ठिकानों पर यह छापेमारी हुई है। विश्वस्त सूत्रों ने अहम जानकारी हमें दी है, जिसमें दीवान मोदी और गोयल ग्रुप पर यह छापेमारी हुई है। माइनिंग फुटवेयर कारोबार से जुड़े हुए तीनों समूह और आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा फिलहाल इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। विमल कोठारी इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। विमल, दीवान मोदी और गोयल ग्रुप छापेमारी हुई है, तकरीबन नीम का थाना और दिल्ली में 40 ठिकाने हैं जिन पर छापेमारी की गई है, पूरी खबर क्या है? देखिए, पूरी खबर ये है कि आयकर विभाग के पास में इन तीनों ग्रुपों के आयकर नहीं चुकाने से संबंध में शिकायतें आ रही थी। लगातार शिकायतों के बाद में जब आयकर विभाग ने इन शिकायतों की प्राथमिक जांच की तो उसमें जानकारी ये मिली कि ये लोग वास्तव में पूरा कर नहीं चुका रहे हैं। इसमें जो विनस हवाई चप्पल के नाम से फुटवेयर निर्माता कंपनी है, ये कंपनी नीमगा थाना में बहुत बड़ी कंपनी है। ये भी बताया जा रहा है कि राजस्थान में जो टोटल फुटवेयर का प्रोडक्शन होता है उसका 50% के आसपास प्रोडक्शन इस अकेली कंपनी के तौर से किया जा रहा है। इसके जो मिस्टर तिलोक दीवान जो इसके मुख्य संचालक है, इन संचालकों के ऊपर भी आरोप ये है कि इन्होंने न केवल आयकर पूरा चुकाया बल्कि सूचना इस तरह की भी इनके यहाँ सेंट्रल एक्साइज जिस समय जीएसटी नहीं लगा था उस समय जब सेंट्रल एक्साइज एप्लीकेबल था उस समय इन्होंने सेंट्रल एक्साइज से संबंधित भी कुछ मामले बने हैं। ये सारी सूचनाएं साझा होने के बाद में आज आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा ने इन तीनों समूह के यहाँ आयकर छापेमारी की है। जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है, प्राथमिक स्टेज के ऊपर ही काफी सारे डॉक्यूमेंट ऐसे मिले हैं जिससे ये प्रमाणित होता है कि इन लोगों ने काफी सारी बेनामी संपत्तियां भी अघोषित आय से अर्जित की है। इसकी अलग से कार्रवाई होगी। इसके अलावा कुछ केस मिलने की भी जानकारी है, कुछ ज्वेलरी वगैरह और बैंक लॉकर्स का भी पता आयकर अधीक्षकों को लगा है, क्योंकि आज अभी इस समय आज सुबह ही कार्रवाई शुरू हुई है, इसलिए अभी इस बारे में ज्यादा खुलासा नहीं किया जा रहा है। लेकिन ये माना जा रहा है कि इस पूरे मामले में करोड़ों रुपए की अघोषित आय का खुलासा होगा। चलिए, शुक्रिया विमल इस तमाम जानकारी के लिए आपका।